हेलो दोस्तों, मैं पिया त्रिपाठी आज आप लोगों के सामने फिर से लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी का नाम है सफ़ेद हंस। दुर्गादास था तो धनी किसान, किंतु बहुत आलसी था। वो ना अपने खेत देखने जाता था, ना खलिहान। अपनी गाय भैंसों की भी खोज खबर नहीं रखता था। सब काम वो नौकरों पर छोड़ देता था। उसके आलस और कुप्रबंध से उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उसकी खेती में हानि होने लगी। गायों के दूध घी से भी उसे कोई अच्छा लाभ नहीं होता था। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरीशचंद्र उसके घर आया। हरीशचंद्र ने दुर्गादास के घर का हाल देखा। उसने ये समझ लिया कि समझाने से आलसी दुर्गादास अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अपने मित्र दुर्गादास की भलाई करने के लिए उससे कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। दुर्गादास ने तुरंत कहा, अच्छा, क्या है वो उपाय? मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूंगा। हरीशचंद्र ने कहा, सब पक्षियों की जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। वो दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। अब ये तो पता नहीं है कि कब आएगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। दुर्गादास ने कहा, कुछ भी हो, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य करूंगा। हरीशचंद्र ये कहकर चला गया। दुर्गादास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठा और वो घर से बाहर निकल गया और हंस की खोज में खलिहान में गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। दुर्गादास को देखकर वो आदमी लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। खलिहान से वो घर लौट आया और गौशाला में गया। वहां का रखवाला गाय का दूध दुहकर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा था। दुर्गादास ने उसे डांटा। घर पर जलपान करके हंस की खोज में वो फिर निकला और खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक कोई मजदूर नहीं आए थे। वो वहां रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने का उसने उल्हाना दिया। इस प्रकार वो जहां गया वहीं उसकी कोई ना कोई हानि रुक गई। सफेद हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन सवेरे उठने लगा और घूमने लगा। अब उसके नौकर ठीक तरीके से काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होना भी बंद हो गई। पहले वो रोगी रहता था, अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। जिस खेत से उसे 10 मन अन्न मिलता था, अब उसे वहां से 50 मन अन्न मिलने लगा। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरीशचंद्र उसके घर आया। दुर्गादास ने कहा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे लाभ बहुत हुआ है। हरीशचंद्र हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम ना करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वो हानि उठाता है, और जो स्वयं परिश्रम करता है तथा जो स्वयं नौकरों की देखभाल करता है वो संपत्ति और सम्मान पाता है। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? इसलिए अपना काम खुद ही करना चाहिए। तो चलिए फिर हम जल्दी मिलेंगे एक नई छोटी सी कहानी के साथ।